जय छोटी मैया और जय श्री राम फ्रेंड्स। हम जा रहे हैं अपने छोटी दादी घर। आज खरना है, खरना प्रसाद ग्रहण करने, क्योंकि हमारे घर छठ नहीं हुआ है, छोटी दादी घर हुआ है, तो वहीं पे हैं हम। खरना प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया है, तो हम कल मिलते हैं। ये ब्लॉग लगभग यहीं पे एंड हो जाएगा। कल ठेकुआ बनाने के समय मिलते हैं, जो झड़ का इमोशन है। तो हम लोग नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं छठ का इमोशन, जो ठेकुआ है वो बनाने के लिए। हम लोग ठेकुआ बनाएंगे और वो हम ठेकुआ बनाते हुए हम लोग को बहुत मज़ा आता है। हम छोटी दादी घर पहुंच चुके हैं, ये हम लोग सब ठेकुआ बना रहे हैं। जब ठेकुआ बनाते जो इमोशन है ना, वो और कोई प्रसाद बनाने में वो इमोशन नहीं आता है, फीलिंग्स नहीं आती है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसे, बहुत इमोशनली अटैच है हम इस त्यौहार से। हम लोग हमारा लगभग ठेकुआ बन ही चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है जो हम लोग बना रहे हैं। हम लोग का दौरा भी सज चुका है और हम लोग प्रसाद बनाने का काम ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, नहा धोवा के तैयार होके अच्छे से जाएंगे नदी पे। हम लोग तैयार होके आ चुके हैं, दौरा भी सज चुका है, दौरा द्वार के पास रखा चुका है, जिसे प्रणाम करके सब निकलेंगे। अभी थोड़ा लेट है निकलने में। हम लोग निकल चुके हैं घाट जाने के लिए। जो छठ व्रती हैं वो घर से प्रणाम करते हुए सब निकलते हैं। हम लोग दौरा लेकर हम लोग निकलेंगे नदी की तरफ। धीरे धीरे हम लोग नदी की तरफ जाएंगे नंगे पैर। यहाँ से नदी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, जो बहुत कठिन यात्रा होती है नंगे पैर जाना, और भी दौरा लेके। तो लेकिन ये छठ मैया का आशीर्वाद है जो हम लोग आ जा कर लेते हैं, वो भी 2 दिन, अभी तो शाम में, फिर कल सुबह में भी। हम लोग घर से थोड़ी दूर तक आ गए हैं, लगभग 200-400 मीटर। अब धीरे धीरे हम लोग मेन रोड तक चलेंगे, वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा छठ पूजा बिहार झारखंड में कितना बड़ा त्यौहार होता है। तो आगे मिलते हैं हम लोग। हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। हम लोग को यहाँ पे हर रास्ते पे कुछ कुछ जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं या जो व्यापारी लोग रहते हैं, जो लोग छठ नहीं कर पाते हैं वो लोग छठ वितरण करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, तब जो लोग छठ नहीं कर पाते हैं वो भी छठ के भागीदारी बन जाते हैं छठ में। ये ऐसा त्यौहार है, बिना छठ के वे भी पुण्य पा लेते हैं। ये कितना अच्छा त्यौहार है आप लोग समझ ही सकते होंगे। आगे मिलते हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएँगे छठ घाट। कुछ ही दूर बचा हुआ है, लगभग 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये पैदल यात्रा जो चलने में हम लोग को मज़ा आता है, थकावट भी नहीं होती है। क्या चमत्कार है छठ मैया का, किसी को मतलब ऐसा थकावट नहीं होती है आने और जाने वक्त में भी। हम लोग गांधी चौक पहुंच गए हैं। अब यहां से कुछ ही दूर घाट घाट, जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, तो बस थोड़ी ही दूर में हम लोग पहुंच जाएंगे। अब यहां से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा अच्छे से, बस थोड़ी ही दूर। छठ घाट पहुंचने से पहले हमें अपने एक दोस्त से मुलाकात हो गई, जिसका नाम है तनीष, जो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था जब मैं ब्लॉग कर रहा था। आप लोगों को छठ घाट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग छठ घाट पहुंच ही गए हैं। छठ घाट पे पहुंच गए, हम लोग का दौरा रखा चुका है। अब यहाँ पे जब संध्या होने का इंतज़ार करेंगे, तब सूरज ढलता है और अर्घ देंगे, उसके बाद हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। पंडित जी पूजा करा रहे हैं अभी, बस पूजा ख़त्म होते ही हम लोग सब कोई घर की ओर प्रस्थान करेंगे। संध्या अर्घ हम लोग का हो चुका है, सूरज दादा डूब चुके हैं। हम लोगों ने अर्घ दे दिया, बट मैं उसका ब्लॉग नहीं बना पाया, सॉरी गाइस, क्योंकि मैं संध्या रख दे रहा था तो शूट नहीं कर पाया। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर की ओर। हम लोग का दौरा भी उठ चुका है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने घर की ओर।
आप लोग ये भीड़ देख के समझ ही सकते हो छठ कितना बड़ा त्यौहार है। तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह सुबह, सुबह के बजे हैं 3, हम लोग उठ चुके हैं, नहा धोवा के रेडी हो गए हैं, और जय बजरंगबली और जय श्री राम जय छठी मैया बोलकर हम लोग अब छठ घाट के और निकलेंगे थोड़ी देर में। ये भाई लोग थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक कर रहे थे मेरे साथ, मैं ब्लॉग कर रहा था इसीलिए। आज के दिन में कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग व्यू देखो रात मतलब सुबह सुबह कैसा व्यू रहता है, कैसा सजा हुआ रहता है पूरा छठ के टाइम पे। रवा के पतावा पे नेवता पे खवानी नेवता करी ना सभी कार जी हाली नया रख मोर आदित्य गोसाइया परती के सुन ली पुकार जी सुबह का अर्घ सब लोग दे रहे हैं, थोड़ी देर में मैं भी दूंगा अर्घ। सब सूरज दादा आ चुके हैं सुबह सुबह। हम सब ने अर्घ दे दिया है और हम लोग सब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद सब वहाँ प्रसाद खाएंगे। जो छठ का इमोशन है प्रसाद ठेकुआ, हम लोग यहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रसाद खा लिया है। खाते वक्त मैंने दिखाया नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब हर चीज़ क्या ही दिखाना ज़रूरी है ना। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग भीड़ देख रहे हो, जब सुबह को ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है शाम के मुकाबले में। इसके आगे मैं और ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।